कोई सा भी आप टेबल डिजाइन करना चाह रहे हैं, या सपोज आप पूरी विड्थ पे करना चाह रहे हैं, जितनी आपका कैनवास साइज है इसी साइज का एक रेक्टेंगल ले लें इस तरह। ठीक है, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में और ये नीचे आ जाए तो इधर लिखा हुआ है स्प्लिट इनटू ग्रिड, ठीक है, आपने ग्रिड में इसको डिवाइड करना है। ये कैसे करना है आपने, ये जब आप करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें रोज हैं कॉलम्स हैं, ठीक है, जितने भी आप रोज रखना चाहें इसका प्रीव्यू कर लें तो आपको इधर ये गाइड भी शो हो जाएगी। ठीक है, इसको कर लें, 5 रोज होगी, 1 2 3 4 5, और इसी तरह कॉलम्स जितने भी आप करना चाहें ये ऐड हो रहे हैं ऊपर। जो भी आपको इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, कोई पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसके अंदर इस तरह की आपको ज़रूरत है, तो इसको 5x5 का कर देते हैं। ठीक है, ये नीचे भी शो हो रही है आपको हाइट और विड्थ, ठीक है, ये 480 है, अभी इसको 5 करेंगे तो ये कम हो जाएगी, मतलब हर कॉलम की जो ये बन गया आपके पास सेल उसकी हाइट और विड्थ लिखी हुई है। इसी तरह ये रो की इधर को इतनी हाइट है 216, ठीक है, तो ये आपको शो हो रही है, नीचे टोटल लिखी हुई है 1080 और ये 9020, इसको यूज करना है, इसको रहने दें अभी। अच्छा, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, इसको ओके करें तो ये आपके पास डिवाइड हो गया इस तरह से। ठीक है, अभी आप इसका सारे अलग अलग हो गए, ठीक है, तो इनको देखना हो अलग अलग नहीं, इनकी थोड़ी सी आउटलाइन लगा लें या स्ट्रोक लगा लें, इस तरह से ही हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका कोई सपोज आप पेज डिज़ाइन कर रहे हैं किसी बात के लिए, या कुछ भी इस तरह का आपको टेबल डिज़ाइन करना पड़ गया, अच्छा आप इसका कलर चेंज कर लें 1x1 आके, जो आपका भी आप रखना चाहें। ठीक है, कुछ ऐसा तो इस पूरे का करना चाहें, इसका इसका भी कर सकते हैं, इस तरह से करना पड़ेगा, इधर से करना चाह रहे हैं, ऊपर से करना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट जो भी आप कलर्स चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप इधर कोई राइट करना चाह रहे हैं कुछ, जैसे हमने लास्ट में देखा था, तो यहाँ पे नेम सेंटर में कर लेते हैं। अच्छा, अलाइन का आप लोगों को अब तक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अलाइन जो है वो हम कैसे करते हैं। पहले अगर ऐसे ही करें, अभी ये देखें इसके ऊपर लेके हैं तो अलाइनमेंट ऊपर शो हो रही है आपको, ठीक है, इसको मैं अभी करूँगा ओरिजेंटल सेंटर और वर्टिकल लाइन सेंटर, तो ये आपके जो आर्ट बोर्ड है इसके सेंटर में जाएगा, ठीक है, आपका जो पूरा कैनवास है उसके सेंटर में चला जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो अभी ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से ये सेंटर हो, तो दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैंने पहले नेम को सेलेक्ट किया, उसके बाद ये बॉक्स को नीचे वाले को, तो फिर हमने बॉक्स को ही सेंटर में करना है, तो एक बार सिंपल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, ये हाईलाइट भी हो गया ब्लू कलर में, तो अभी आप इसको वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन फिर वर्टिकल लाइन करें, ये जहाँ पर भी हो इसको, ये नेम इधर पड़ा हुआ आपका इधर पड़ा हुआ, इसको आप सेंटर में करना चाह रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर बाद में सिंपल क्लिक कर दें जिसके सेंटर में करना, उसको लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया तो उसके बाद वर्टिकल हो गया, ठीक है, तो इस तरह आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। नेम हो गया आपका, उसके बाद इधर और कुछ लिखना चाहें, फुल नेम, ठीक है, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें पूरी आए, तो ये तो पहले सेंटर में था, एक बार फिर देख लेते हैं,
इधर कुछ राइट करना चाहें। बस इधर ईमेल लिख लेते हैं, इसको भी सेंटर में करते हैं। जो भी आपने काम करना है उसको साथ साथ सेंटर करते जाना। ठीक है, ईमेल तो डच लास्ट वाला एड्रेस, और इसको भी सेंटर में करो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, अगर इस तरह की आपको चीज पेज वगैरह डिजाइन करना पड़ गया वो आप कर सकते हैं। इसका कलर एक ही रखना चाहें, एक भी रख सकते हैं। अगर डार्क हो गया तो पिंक कलर ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे जो टेबल का कलर है इसको बाद में चेंज करना पड़ जाए, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट लाइट कलर ये नहीं सही लग रहा है इसको। कोई सा भी कलर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ये भी ज्यादा ही डार्क हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से, अभी इधर डाटा फिल करना हो तो इसी तरह ये कॉपी कर लें, इसको इधर सेंटर करते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लिखनी है आपने इधर उधर, तो उसके साथ साथ जो है आप मैनेज कर लें। ये था सिंपल सा है कि आपने ग्रिड या टेबल जो है वो कैसे जनरेट करना है। ठीक है, सिंपल वे है। आउटलाइन ख़त्म करना चाहें आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर करना चाहें, इधर भी कोई चीज़ हाईलाइट करनी है आपने, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, ऊपर वाले कलर करना है इस तरह, ये सारे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये था टेबल का कंसेप्ट, टेबल या ग्रिड जो भी आप कह रहे हैं। कोई भी है इमेज पिक्चर, उसको आपने वेक्टराइज करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो या तो आपके पास टूल्स हैं जिस तरह पेन टूल है, आप उससे ये ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप लाइव ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं, पेन टूल नहीं यूज़ करना चाह रहे, ट्रेसिंग का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे पहले इसकी बाउंड्री हम कम कर लेते हैं ताकि सारी इतनी ज़्यादा ट्रेसिंग जो है वो यूज़ ना हो। पहले इसको क्रॉप कर लें जितना भी आपका इमेज आएगा। ठीक है, इसको आप ट्रेस करना चाह रहे हैं भी। ये देखिए रास्टर इमेज है, मतलब इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये साथ ही ब्लर हो गया। ठीक है, इसको हम वेक्टर में करना चाह रहे हैं। तो अगर ऊपर देखें तो आपके पास इमेज ट्रेस के ये ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले सिंपल है, इसी को क्लिक करते हैं, इमेज ट्रेस। ठीक है, क्या मिस हुई है इसका जो ये वाले डॉट्स हैं स्मार्ट सर्कल, ये गायब हो गए हैं। ठीक है, दोबारा करते हैं इस तरह। ठीक है, गर्म करता हूँ अभी, देखें इमेज ट्रेस। तो और क्या हुआ कि इसके यहाँ से इमेज ट्रेसिंग जो है तकरीबन 90% तक आपको रिजल्ट इसके एक्यूरेट होते हैं, बाकी इसके लाइंस और ये एंड पॉइंट्स हैं वो थोड़े से मिसप्लेस हो जाते हैं। जिस तरह ये हैंड सा बिल्कुल कर्व थे बने हुए, अभी ये इधर से देखें थोड़े सा खराब हो गए।
है, तो इधर से भी जो नोज के थे तो वो भी गायब हो गए हैं, स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो ये इमेज ट्रेस हो गया। अभी ये आपका, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड क्यों करना है, अगर आप देखें इसके बैकग्राउंड के ऊपर यही वाइट कलर लगा हुआ है। ठीक है, वाइट कलर लगा हुआ है ऐसे, तो इसको एक्सपेंड करें आप। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो, अच्छा एक्सपेंड करके आप इसको अनग्रुप करें, अनग्रुप। ठीक है, तो अभी जो वाइट एरिया वो ऐसे रिमूव कर दें। ठीक है, इसी तरह ये वाला इसको रिमूव कर दें। ठीक है, अभी इसको वापस लेते हैं, ग्रुप कर लें दोबारा, तो इधर ले आए आप। ठीक है, सेंटर या जो भी आपने करना है उसी तरह। तो भी आप इसको, ये वेक्टर हो गया आपका इमेज, आपका जो लोगो है। अभी आप इसको जितना मर्जी जैसे आपने खुद ड्रा किया है वैसे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके जो हैंड्स हैं ये देखें, यहाँ से इनको आप ठीक करेंगे। ठीक है, जो जहाँ से आपने टेस्ट किया है उसको सामने रख लें। अरे इसकी ज़रूरत आपको इसलिए नहीं पड़ेगी कि आप किसी को कॉपी पेस्ट करके देना चाह रहे हैं, वो कॉपी राइट का इशू आ जाता है। ये आप यूज़ करते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारे पास से सोर्स फाइल जो है इसकी गायब हो गई है, सोर्स फाइल गुम हो गई है, तो हमें जो अपना लोग जो है ये इमेज है उसको वेक्टर में करना है, तो अभी हमें ट्रेस कर दें इसकी, हमें जो हाई रेज फाइल है वो चाहिए, तो उसके लिए आप जो है वो ट्रेसिंग कर सकते हैं, उसके लिए पेन टूल या ये डायरेक्ट ट्रेसिंग ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी जो रह गई हैं चीज़ें वो आप कर लें। ठीक है, इधर से ऐसे दूसरा इधर इसके ये फिंगर्स ये खराब हैं, तो इनको भी सही कर लें आप। जो साइज है अपना इधर से रेक्टेंगल ले लें। ठीक है, अब इसको आगे से राउंड कर लें ऐसे, थोड़ी सी और आगे कर लें यहाँ तक। इसी तरह ये नीचे और इधर, ये थोड़ी सी काम में चलें, खैर इतनी लगा लें। दूसरी साइड पे आपने लेके जाना है। अच्छा, कैंसिल करें, तीनों को सिलेक्ट करें और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दें आप कॉपी। तो इस तरह आप बाद में इसकी जो है जो चीज़ मिस हो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये इसके कॉर्नर जो हैं ये देखें आगे से आपको लग रहा है, इनको स्मूथ करना चाहें इनको स्मूथ कर दें। स्मूथ कैसे करना है, इसको लें यहाँ पे स्मूथ कर दें, इसको लें यहाँ से स्मूथ कर दें। ठीक है, तो ऐसे जो है आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये है सिंपल बिल्कुल आपका फ्लैट आइकन था, इसकी इजी होगी ट्रेसिंग। तो इसी तरह आप कम्प्लेक्स कोई इमेज है आपकी पिक्चर है उसको करना चाहें, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको सेटिंग चेंज करना पड़ती है इसकी। जैसे इसी आर्टबोर्ड को कॉपी करते हैं, कॉपी ली और कोई दूसरा थोड़ा सा जो कम्प्लेक्स इमेज है कलरफुल वो कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया, अभी इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। ठीक है, इसकी करते हैं ट्रेसिंग, पहले तो क्रॉप कर लें जितना एरिया हमें चाहिए अपना कर लें, पहले क्रॉप कर लेते हैं अप्लाई। ठीक है, अभी दोबारा जाएं ट्रेसिंग में, तो इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं, हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी, थ्री कलर, सिक्स कलर, शेड्स ऑफ ग्रे, इनको हम वन बाई वन जो है वो चेक करते हैं। पहले बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट करें तो आप रिज़ल्ट देखें इमेज कुछ इस तरह। ठीक है, अभी हम थ्री कलर्स में करते हैं, हाई फिडेलिटी में करते हैं,
तो इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये अभी लग तो रहा है कि ट्रेसिंग हुई है लेकिन कलरफुल ही आया है। इसके बाद आप लोगों का गिल्टी पे जाएं तो कैसे, मतलब सेम तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन तकरीबन काफ़ी एक्यूरेट आए हैं, ठीक है। बाद आप जाए नीचे थ्री कलर्स में, थ्री कलर्स में ये कोई चीज़ें काफ़ी सारी मिस हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह सिक्स कलर्स हैं, ठीक है, ये सबको वन बाई वन हम देख लेते हैं। 16 कलर्स हैं, मतलब आपके लोगों के अंदर ये इमेज के अंदर काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो उनको वो आप शो करवाना चाह रहे हैं ट्रेसिंग में, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद शेड्स ऑफ ग्रे है, जैसे ग्रे शेड में, फिर इसके बाद ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट को, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट है सिंपल की तरह, ये सिर्फ दो कलर्स में ब्लैक और वाइट, ठीक है। इसी तरह आप ये नीचे, ठीक है, सिर्फ सिंपल आप फ्लैट आइकन जो रखना चाह रहे हैं सिलहौटी, ये कर सकते हैं। फिर लाइन आर्ट में करना चाह रहे हैं, सिर्फ लाइंस शो करवाना चाह रहे हैं, मतलब ट्रेसिंग भी हो जाए लेकिन रिजल्ट जो है सिर्फ हमें लाइंस चाहिए, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। लास्ट वाला देखें तो टेक्निकल ड्राइंग है, ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग भी लाइन की तरह ही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं थ्री कलर्स में, तकरीबन तीन चार कलर्स हैं, 1 2 3, तो थ्री में इसको कर लेते हैं ऐसे थ्री कलर्स में। इसके बाद एक्सपेंड कर लें, ठीक है, एक्सपेंड हो गया। तो अभी क्या है इसका, ये देखें आप येलो कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, वाइट वाला या येलो वाला ब्लैक वाला कलर, ये अगर आपको चेंज करना है, एक वे तो ये है कि आप इसको वन ग्रुप करें, ठीक है, और ये देखो ऐसे पार्ट्स वन बाय वन आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जितने भी आपने करना है, लेकिन ये लेंथी प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक कलर पिक कर लें जो आपने चेंज करना है। फिर ड्रेस सिलेक्शन टूल लें, इससे आप सॉरी शिफ्ट से करना, ड्रेस सिलेक्शन टूल लें और शिफ्ट प्रेस करके जो भी आप कलर चेंज करना है, येलो वाले पे क्लिक किया शिफ्ट से, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आप आए इधर सिलेक्ट में, सॉरी इधर की ऑप्शन, हाँ सिलेक्ट में आए, इसके बाद सेम सिलेक्ट के अंदर सेम और फिल कलर, ठीक है, फिल कलर में आए तो अभी ये देखें कि हमने किया था एक सिलेक्ट येलो, जब फिल कलर पे किया तो जहाँ जहाँ पे येलो कलर यूज़ हो रहा है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी इधर आए फिल के अंदर, तो यहाँ से आप येलो है जितना भी पूरे लोगों में यूज़ हो रहा है, एक बार आप क्लिक करेंगे सिर्फ तो आपका जहाँ पे भी येलो था वो चेंज हो गया, ठीक है। कोई भी जो सा भी आप करना चाहें चेंजिंग के बाद, एक वे तो ये था जहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं जो भी पार्ट्स पड़े हुए हैं सेपरेट उनको आप कंबाइन करें या फिर कलर चेंज करें। एक ये है कि आपने एक कलर सेलेक्ट किया और बाकी सारे ऐसे चेंज हो गए, ठीक है, ग्रीन करना चाहें या कोई सा भी कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। इसी तरह ये ब्लैक वाला यूज़ हो रहा है, इसको आप चेंज करना चाहें, ब्लैक भी काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहा है ये इधर, अभी तो खैर ये मतलब इतना कम्प्लेक्स नहीं है लोगों, इसलिए कम कलर आपको लग रहा है। अच्छा ब्लैक को आप चेंज करना चाहें, ब्लैक एक ही है खैर, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ब्लैक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, ब्लैक कलर चेंज करना है, ये देखें ऊपर भी ब्लैक शो हो रहा है, ठीक है, फिर उधर ही जाएँ सिलेक्ट सेम और ये फिल कलर, ठीक है। अभी आपके पास ब्लैक है ये ब्लू है, इसको चेंज करना है, इधर से कर लें इधर से कर लें स्वेच से, तो वो आप कर सकते हैं ऐसे चेंज, ठीक है, इस तरह जहाँ पे भी ब्लैक यूज़ हो रहा है वो आपका कलर फिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह आप कुछ और चेंज करना चाह रहे हैं इसका, अच्छा इसको अभी हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको साइड पे ले जाएं,
साइड पे नहीं तो इसकी जो अपनी आपकी कैनवास साइज है इसके ऊपर कोई रेक्टेंगल लगा लें किसी दूसरे कलर में, जैसे ये वाली, इसको बैक पे सेंड करें, रेंज सेंड टू बैक। ठीक है, तभी आपने वाइट कलर ख़त्म करना है। ठीक है, इसको अन ग्रुप कर लें। ठीक है, इसको डिलीट कर दें जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वाइट कलर उसको आप डिलीट कर दें ऐसे। ये ऊपर वाला इसको बेशक रहने में अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं इस तरह से, ताकि जो आपकी बैकग्राउंड का कलर है वही इधर शो। आप वन बाई वन जो है सबको डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर ना भी करना चाहें तो इट्स ओके कुछ ऐसे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप इसको इस तरह सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी आपका ग्रीन कलर है वो आपने चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी इधर शो हो रहा है आपको ग्रीन, तो इनको आप वन बाई वन सेलेक्ट करें और इसका कलर चेंज कर दें ऐसे। इधर भी है, इसको भी ले लें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेसिंग के ऑप्शन है। इसके अलावा इसकी थोड़ी सी और हैं चीज़ें, वो भी देख लेते हैं। इसी के एक और कॉपी करते हैं। ठीक है, कोई सा भी इमेज कॉपी कर लें। पहले इसको क्रॉप कर लें जितना भी आपको तो चाहिए साइज। अप्लाई। ठीक है, इसको ट्रेस करें। ठीक है, इधर भी वही ऑप्शन आ रहे हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, इसको आप कर लें बाई डिफॉल्ट। ठीक है, बाई डिफॉल्ट रहने में सिक्स कलर्स में कर लें। ठीक है, ऐसे काफ़ी कुछ मिस हो गया लेकिन डोंट वरी, ये आगे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। ओपन द इमेज ट्रेस पैनल। ठीक है, इसकी पॉपअप जो है आपके पास आ जाएगी प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर वही है, लाइन आर्ट में करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, ग्रे स्केल में करना है, लो कलर करना है, ये जिस तरह इधर ड्रॉप डाउन के अंदर शो हो रहे थे। ठीक है, ये भी उसी तरह सिक्स कलर ग्रे शेड, लेकिन इसको करते हैं तो इस तरह ग्रे शेड, ब्लैक एंड वाइट, लाइन। ठीक है, इनको आप कर सकते हैं ट्राई। इसके बाद ये नीचे आपको शो हो रहा है, सपोज हमने किया है ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, और ग्रे स्केल में किया तो आप इसका ग्रे जो है इफेक्ट कम करना चाहें ज़्यादा करना चाहें वो आप इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रेज या आ रहा। ठीक है, ऐसे। इसके अलावा एडवांस सेटिंग्स है, इसके अंदर आपको आ रहा है कि पाथ आपने इसका इसकी सेटिंग करनी है, फिर कॉर्नर जो है वो आपने किस तरह से रखने हैं, स्मूथ रखने हैं या उनको थोड़ा सा जो राउंडेड करना है उस तरह से। ये वाले फैक्टर हैं जैसे नॉइस इसमें कितना होना चाहिए, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक जो हम यूज़ करेंगे तो ट्रेसिंग, ये डायरेक्ट ट्रेसिंग है, इसमें जब भी हम करते हैं तो ये देखें काफ़ी सारी इसके बाद आपको करनी पड़ेंगी, इसकी अल्टरेशन करनी पड़ेगी, इसके जो नोड्स हैं एजीज हैं उनको स्मूथ करने के लिए, उनको न्यू वहाँ पे, ये देखें जिस तरह ये गर्ल है इसके काफ़ी कुछ यहाँ से ख़त्म हो गया। इसको कलर में करते हैं सिक्स कलर में ही, कंट्रोल जी करके। ठीक है, सिक्स कलर में कर लेते हैं, सिक्स
सिक्स से भी ज़्यादा, 16 में कर लेते हैं ठीक है। 16 में कलर में किया, उसके बाद एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद अनग्रुप करके जो भी आप पार्ट इसके डिलीट करना चाहें वो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं ठीक है। ये वाले नीचे वाले जो उनसे भी आपको लगा है कि लोगों के अंदर नहीं यूज़ होने, वो वन बाई वन आप डिलीट कर दें। जो बैकग्राउंड के ऊपर था वो भी ट्रेस हो गया। तो कोई कलर चेंज करने हो है उसके, या जहाँ से भी कोई भी पार्ट पिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। या आपको बताया कि आप उधर जाके एक बार ही कलर सेलेक्ट करके तो इस तरह भी कर सकते हैं ठीक है। तो ये ट्रेसिंग का था कंसेप्ट। ट्रेसिंग का पर्पस है कि किसी भी कोई लोगों को आपने ट्रेस करना है, जब ट्रेस करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं ठीक है। जी इस तरह कॉपी करें, इधर कॉपी पेस्ट। ये वाला सपोज हम इसको ट्रेस करना चाह रहे हैं, एक वे तो ये है कि आप पेन टूल का यूज कर लें ठीक है। और तो दूसरा इधर हमारे पास लाइव ट्रेसिंग भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर क्विक वे में जाना चाह रहे हैं ठीक है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें तो ऊपर प्रॉपर्टी मेन्यू में आपको ट्रेसिंग का ऑप्शन नज़र आ रही है, इमेज ट्रेस, उसको क्लिक करें एक बार, ये आपका इमेज ट्रेस हो गया ठीक है। मतलब वेक्टर में चला गया, पहले रास्टर था इमेज था तो अभी वेक्टर के अंदर चला गया। ये एक कलर में हुआ मीन्स ब्लैक एंड वाइट। इसके आप कलरफुली करना चाह रही हैं जैसे लोगों को है, हाई फिडेलिटी में कर लें ठीक है। ये ट्रेस तो हो गया लेकिन इसके जो आपको लाइंस पाथ नज़र आ रहे हैं वो जो है स्मूथ नहीं रहे ठीक है। इसी तरह आप ये थ्री कलर्स ऑप्शन यूज़ कर सकती हैं इस। अच्छा ट्रेसिंग के अंदर जो आपको लाइट कलर नज़र आ रहे होते वो आपके मिस हो जाते हैं, जो बिल्कुल लाइट कलर हो वो मिस हो जाते हैं। देखें अभी थ्री कलर्स हम यूज़ करेंगे तो जो अंदर शेडिंग थी लाइट कलर की वो गायब होगी ठीक है। इसी तरह सिक्स कलर वाला है वो यूज़ कर लें, इसमें काफ़ी कुछ आ गया ठीक है। तो ये 100% एक्यूरेट तो नहीं आएगा लेकिन ट्रेसिंग हो जाएगी आपकी, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। सर ट्रेसिंग के बाद इसके ऊपर पेन टूल यूज़ कर सकते हैं इसको स्मूथ करने के लिए? हाँ जी, जो मर्जी यूज करें, जो एरियाज मिस हो जाए उनको कंप्लीट करने के लिए। अच्छा ये ट्रेस हो गया, उसके बाद आपने एक्सपेंड करना है ठीक है, एक्सपेंड हो जाएगा और अनग्रुप करना है। जो पार्ट्स आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हैं ऐसे वन बाई वन ठीक है। तो यही हम देख रहे थे, ये आप सब लोग ट्राई कर लें तो इसके बाद आगे चलते हैं ठीक है।